हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू केयर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे वन प्लस मैकलेरन ओएस फॉर द रेडमी नोट 5 प्रो। सॉरी गाइज, नॉट नोट 5 प्रो, नोट 7 प्रो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू केयर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ऑक्सीजन ओएस फॉर द रेडमी नोट 7 प्रो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं डिवाइस नेम जो है वो आ रहा है वन प्लस 7, बट ये है नोट 7 प्रो। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसर और स्टोरेज वगैरह वो सभी चीज़ें सही दिखा रहा है। 48 मेगापिक्सल कैमरा, 6.3 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले, और देख सकते हैं डोप लिख कर आ रहा है। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर आपको 10 देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी पैच देख सकते हैं सेप्टेम्बर 1 का मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन OB18 मैकलेरन एडिशन है। डेवलपर जो है डोप गई है, इसलिए यहाँ पर डोप लिख दिया उन्होंने, अदरवाइज यहाँ पर जो सभी चीज़ें हैं। चलिए इसका रिव्यू करते हैं। और ये जो है ये है मैकलेरन एडिशन, नो कि नॉट अ नॉर्मल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ओएस। तो यहाँ पर ये आपको मैकलेरन एडिशन मिल जाता है। सो गाइस, रिव्यू शुरू करते उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। लेट्स नाउ स्टार्ट टू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं जियो वोल्टी से। वोल्टी वाईफाई वगैरह वर्क करता है या नहीं, तो यहाँ पर जो वोल्टी वाईफाई वगैरह है वो चीज़ें जो हैं परफेक्टली वर्क करती हैं, कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको। सब कभी कभी इश्यूज आ सकते हैं, कॉल कनेक्ट नहीं होगी, लाइक दिस कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगा, कॉल कनेक्ट होगा तो यहाँ पर एक दो बार आपको इश्यूज़ देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर अदरवाइज़ कोई इश्यूज़ नहीं होगी। और जो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपका जो डायलर ऐप था उसे आप डिसेबल कर दीजिए, लाइक मैंने जैसे डिसेबल कर दिया है, और आप गूगल का जो फ़ोन डायलर ऐप है उसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपके इश्यूज़ जो है फिक्स हो जाएगी। अदरवाइज़ कोई भी कॉल आएगी तो वहाँ पर आपके शो नहीं करेगा, बस आवाज़ ही आएगी तो कॉल शो नहीं करेगा। और एक और बग है यहाँ पर गाइस है कैमरा का, तो यहाँ पर कोई भी प्री इंस्टॉल कैमरा ऐप नहीं मिलता है। आप यहाँ पर जी कैम चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ओपन कैमरा ऐप जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें जो हैं परफेक्टली वर्क करेंगी, कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डायलर ऐप वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको कॉल में इशूज़ आएंगे, कॉल वगैरह शो नहीं करते वहाँ पर। अभी यहाँ पर जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैनुअल कैमरा जो है इनेबल है, जी कैम वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जो कैमरा ऐप है वो यहाँ पर नहीं मिलता। और ये कुछ आपका लॉन्चर मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फ मिल जाता है, यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉअर है, यहाँ पर ऐप ड्रॉअर से कुछ इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर ऐप हाइड वगैरह कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल से वन प्लस के सभी लॉन्चर्स में ये सभी मिल जाता है। होम सेटिंग में जाते हैं, होम सेटिंग में जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, स्वाइप डाउन टू एक्सेस नोटिफिकेशन, सेल्फ डबल टैप टू ले लॉक, लॉन्चर लेआउट कस्टमाइज़ कर सकते हैं, होम स्क्रीन लेआउट वगैरह, आइकन पैक यहाँ पर जो चाहे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। काफ़ी तरह के आइकन पैक यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, कुछ बग्स भी हैं बट लॉन्चर में कोई बग्स नहीं है। पर जो देख सकते हैं हमारा आइकन पैक जो है वो चेंज हो गया, हाइड ऐप कर सकते हैं, होम स्क्रीन लेआउट चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऐप ड्रॉअर चाहिए तो ऐप ड्रॉअर यूज़ कर सकते हैं, बिना ऐप ड्रॉअर के चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। लॉन्चर वर्जन जो है वाइड वर्जन 5.0.0, तो ये आपको लॉन्चर वर्जन मिल जाता है। यहाँ पर अब हम चलते हैं सेटिंग में, कुछ ऑप्शंस वगैरह आपको दिखा देते हैं, कस्टमाइजेशन वगैरह। सो गाइज, यहाँ पर अब हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पर वाईफाई एंड ब्लूटूथ विच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वहाँ पर। NFC वगैरह वर्क नहीं करता, आई वुड से डोंट ट्राई दैट। डिस्प्ले में जाएंगे तो देख सकते हैं डिस्प्ले में यहाँ पर स्लिप मोड है। स्क्रीन कैलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर विविड में रहेगा बाई डिफॉल्ट, तो बहुत ही येलोइश हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा आप जाके नेचुरल कर लीजिए। ये देख सकते हैं रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज पे सेलेक्टेड है। यहाँ पर मैं एक बार UFO टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कितना हर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है इस रोम में। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर आपको 66 हर्ट्स का मिल जाता है, जो कि नॉर्मली ज़्यादा है और सभी रोम से, लाइक 60 हर्ट्स का स्क्रीन पैनल है, बट यहाँ पर आपको 67 to 66 आपको रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। कोई भी कर्नल वगैरह यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको 67 हर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो वॉलपेपर वगैरह कस्टमाइज़ कर पाएंगे, देख सकते हैं काफ़ी तरह के लाइव वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं आप। क्लॉक स्टाइल वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, एम्बिएंट डिस्प्ले वो भी यहाँ पर आपका फीचर जो है वो वर्क करता है, लाइक लिफ्ट अप डिस्प्ले, हॉरिजॉन लाइट वगैरह वो सभी फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर आसानी से वर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर जो भी है सभी फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर वर्किंग है, कोई भी ऐसी चीज़ ब्रोकन नहीं है। रिफ्रेश रेट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, 67 हर्ट्ज आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, ना कि यहाँ पर आपको कोई कर्नल वगैरह चेंज करना पड़ेगा। एक्सेंट कलर चेंज कर सकते हैं, टोन चेंज कर सकते हैं, सिस्टम आइकन, आइकन पैक, फॉन्ट वगैरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बटन एंड जेस्चर। यहाँ पर आपको अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है, बट
अलर्ट स्लाइडर इस फोन में प्रेजेंट नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है जेस्चर बार में, तो मैं यहाँ पर अभी जेस्चर यूज़ कर रहा हूँ, एडवर्टाइज का जेस्चर बार। आप चाहे तो बटन्स यूज़ कर सकते हैं, 3 बटन्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, देख सकते हैं बैक होम रीसेंट, बट मैं यहाँ पर जेस्चर में जाना चाहूँगा, जेस्चर इज़ माई फेवरेट। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 10 वाले जेस्चर बार अच्छे हैं, लाइक स्वाइप राइट टू बैक, लेफ्ट टू बैक, लॉन्ग प्रेस टू टेक अ फोटो, यहाँ पर 3 फिंगर टू स्क्रीनशॉट भी मिल जाता है, बट लेट मी इनेबल दिस। तो लॉन्ग प्रेस टू टेक अ फोटो, ये सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे बटन एंड जेस्चर में। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप जाके वहाँ पर डिसेबल कर दीजिए आप फ़ोन ऐप को, अदरवाइज आपको बग्स फेस करने पड़ेंगे, स्क्रीन टाइम मिल जाता है। नोटिफिकेशन डिफ़ॉल्ट ऐप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर एक ही ऐप शो करेगा फ़ोन का, और मैंने जो उसे डिसेबल कर दिया। SMS ऐप यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पूरा ही गूगल का SMS ऐप, डायलर ऐप उसे यूज़ करें, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको कॉल में इशूज़ आ सकते हैं। सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में यहाँ पर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट मिल जाता है। सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट यहाँ पर शो कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर विच इज़ फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव, कोई इश्यूज नहीं आएगी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर में। मेरी फिंगर जो है थोड़ी वेट है, इस वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है। मैं यहाँ पर आपको फेस अनलॉक दिखा देता हूँ, फेस अनलॉक भी देख सकते हैं काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। ऑलरेडी मेरा रजिस्टर फेस अनलॉक विच इज़ फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव, आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा अनलॉक करने में। इमरजेंसी रेस्क्यू स्क्रीन, सिम कार्ड लॉक, डिवाइस एडमिन, ट्रस्ट एजेंट्स वगैरह, स्क्रीन लॉक वगैरह आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बैटरी लाइफ विच इज़ अ गुड, आई वुड से 6.5 आवर्स आपकी स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगी, बट नॉट मोर देन दैट आपको स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिलेगी। यहाँ पर डिजिटल वेलबिंग वगैरह मिल जाते हैं, यूटिलिटीज़ में जाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, क्विक लॉन्च, पैरेलल ऐप्स, ऐप लॉक, यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सिस्टम में जाएंगे तो सिस्टम में देख सकते हैं OTG, स्टोरेज, रैम बूस्ट, यहाँ पर ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इनेबल रैम बूस्ट, बट आप चाहें तो इसे डिसेबल कर सकते हैं, आई सजेस्ट कि डिसेबल करके रखिए, अदरवाइज परफॉर्मेंस में थोड़ा सा स्टटर होगा। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं एंटीटू बेंचमार्क स्कोर वगैरह की। चलिए यहाँ पर गाइज एंटीटू बेंचमार्क स्कोर विच इज़ वेरी गुड इन दिस रोम, देख सकते हैं 298,042 आपको एंटीटू बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड। 209,842 आपको मिल जाता है यहाँ पर एंटीटू बेंचमार्क स्कोर। एंटीटू बेंचमार्क स्कोर इज़ गुड, बट यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। जब मैंने सेटअप किया था वहाँ पर नॉर्मल हिकअप्स वगैरह मुझे नोटिस कर रहे थे, बट जब मैंने यूज़ किया फ़ोन को काफ़ी दिन से तो वहाँ पर मेरे कोई भी नॉर्मल लैग्स वगैरह नहीं मैंने नोटिस किया। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, हल्का फुल्का स्टटर कहीं ना कहीं दिखता है, बट जो कि माइनर से हैं, ऑलमोस्ट फ़ोन भी पुराना हो गया इस वजह से यहाँ पर हल्का फुल्का स्टटर होता है, अदरवाइज़ यहाँ पर ज़्यादा लैग्स एंड स्टटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पर आपको 67 हर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है बाई डिफ़ॉल्ट, आपको कोई कर्नल वगैरह चेंज नहीं करना पड़ता, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। यहाँ पर एक बग्स था जो कि फ़ोन का था, मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसे आप फिक्स कर लीजिए एंड देन आप यूज़ करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हल्की फुल्की हीटिंग इशू है जो कि नॉर्मल सी है, ऑलमोस्ट रेडमी नोट 10 प्रो में मैंने काफ़ी हीटिंग इशूज़ फेस किया है लाइक और सभी रॉम्स में, बट यहाँ पर जो ये रॉम है जो डेवलपर है डोबकाई विच इज डिड अ ग्रेट जॉब विद दिस रॉम आई कैन से। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स प्रीटी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।